नमस्कार, मेरे यानी भूमिका के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है देश रोजाना पर, जहां हम लाए हैं आज की ताज़ा खबरें जो आपको रखेंगी हर पल की दुनिया से जुड़ी हुई। आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख घटनाओं की जिनका असर न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। त्रिशूर में 90 मिनट में 70 लाख की डकैती, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरोह को पकड़ा। नेतन्याहू ने अमेरिका से दिए हमले के संकेत, ईरानी सुप्रीम लीडर को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। भारत बांग्लादेश टेस्ट, बारिश का कहर, दूसरे दिन का खेल रद्द। राम रहीम कांड, साधियों के साथ दुष्कर्म और दो मर्डर, हिंसा में 38 की मौत। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन, 4 सुरक्षाकर्मी घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस ने पकड़ा आरोपी, एटीएम डकैती में इस्तेमाल हुआ मोबाइल फोन बरामद। योगी आदित्यनाथ का बयान, कांग्रेस को विभाजन और आतंकवाद का जिम्मेदार ठहराया। फरीदाबाद में कांग्रेस की कार्रवाई, शारदा राठौर सहित 9 नेताओं का 6 साल का निष्कासन। हरियाणा चुनाव, पीएम मोदी की रैली में कांग्रेस के विदेश दौरे पर साधा निशाना। भारत बांग्लादेश टेस्ट, बारिश ने खेल को किया प्रभावित, अगले दिन भी आसार। चलिए अब रुख करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। हरियाणा चुनाव में मोदी की तीसरी रैली, कांग्रेस का गुब्बारा फूटने की भविष्यवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हरियाणा के हिसार में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि हरियाणा में भी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस की सरकार बनाने का गुब्बारा फूटेगा। उनका इशारा स्पष्ट था कि कांग्रेस की झूठी उम्मीदों का अंत जो है वो जल्दी ही होने वाला है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में हुआ। ये रैली हरियाणा चुनाव के मद्देनज़र मोदी की तीसरी रैली थी और इससे पहले वो 15 सितंबर को कुरुक्षेत्र और 25 सितंबर को सोनीपत के गोहाना में रैली कर चुके हैं। आगामी चुनावों के लिए फरीदाबाद में उनकी चौथी और अंतिम रैली होने वाली है और मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में उन्हें तीसरी बार सरकार बनाने की पूरी उम्मीद है। मोदी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब मैं यहाँ चुनाव लड़वाता था तब एक मंत्र दिया करता था, सबसे मजबूत हमारा पोलिंग बूथ। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे 5 परिवारों के नाम कागज़ पर लिखें और सुनिश्चित करें कि उन सभी के वोट डालें। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर विकास को नई गति देने के लिए तैयार हैं। मोदी ने अपने आत्मविश्वास का इजहार करते हुए कहा कि हाल में कई साथियों से चर्चा करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और आत्मविश्वास है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को ये भी याद दिलाया कि उन्हें दिन रात जुटना है और बूथ स्तर पर काम करना है, हमें अपने सभी साथी लाने पड़ेंगे। मोदी ने कहा, जो दर्शाता है कि भाजपा चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने के लिए तैयार है। इस रैली में मोदी ने हरियाणा की जनता को एक सकारात्मक संदेश दिया जो आने वाले चुनावों में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। करनाल में पवन खेड़ा का बयान, कांग्रेस किसानों और जनता के साथ खड़ी है। हरियाणा के करनाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, हम कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ हैं। जब कांग्रेसी नेताओं द्वारा मंच साझा न करने के सवाल पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं, अगर सभी नेता एक ही मंच पर आ जाएंगे तो प्रचार कैसे करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के मन में कोई मैल नहीं है, वो जो भी सोचते हैं उसे खुलकर व्यक्त करते हैं। किसान आंदोलन पर बोले पवन खेड़ा, किसानों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि अगर किसान ने पगड़ी पहन ली तो क्या बीजेपी उसे अलगाववादी और खालिस्तानी कह देगी, यही तो हमारे लिए आपत्ति का कारण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आंदोलन का समर्थन किया है और अन्ना हजारे के लोकपाल बिल आंदोलन का जिक्र करते हुए बताया कि कांग्रेस ने उस समय भी समस्याओं का समाधान किया। हिमाचल में तनख्वाह का मुद्दा, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह न मिलने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वहां सभी कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है लेकिन कांग्रेस के विधायक अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, हमने जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर रहे हैं, उन्होंने कहा। हरियाणा में कर्ज का मुद्दा भी उठाया। हरियाणा के मैनिफेस्टो पर चर्चा करते हुए पवन खेड़ा ने बताया कि 1966 से 2014 तक प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्ज था, जबकि 2014 से 24 तक ये कर्ज बढ़कर 4.25 लाख करोड़ हो गया है। उसके बावजूद प्रदेश में कोई विकास नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा,
कांग्रेस ने 70,000 करोड़ के कर्ज में हरियाणा को स्वर्ग बनाने का काम किया था। खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण पर हमला किया है और क्रीमी लेयर के अमाउंट में बदलाव किया है, जो उनकी साजिश को दर्शाता है। पवन खेड़ा के स्पष्ट और सटीक बयानों ने कांग्रेस की नीति और दृष्टिकोण को दर्शाया है, जो आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ की फरीदाबाद में धूमधाम और रैली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को हरियाणा के फरीदाबाद में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस को निशाने पर लिया। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस रैली में उन्होंने कांग्रेस को देश के विभाजन और आतंकवाद का जिम्मेदार ठहरा दिया। योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद मौलवियों के राम राम कहने का जिक्र करते हुए कहा कि अब समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर उन्होंने बताया कि हिंदुओं ने इसके लिए 76 लड़ाइयां लड़ी हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस के राज्य में भूमाफिया सक्रिय थे, जबकि भाजपा ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। रैली के दौरान जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। योगी ने कहा, मैं रामलला की धरती से फरीदाबाद आया हूं। लाखों हिंदू और सिखों ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बलिदान दिया। कांग्रेस ने हमेशा विवाद खड़ा किया, लेकिन पीएम मोदी ने उस विवाद का समाधान किया जो 65 साल में नहीं हो सका। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या कांग्रेस कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा पाती। इस रैली में योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर, बड़कल विधानसभा से प्रत्याशी धनेश अधलखा, एनआईटी 86 विधानसभा से प्रत्याशी सतीश कुमार फागना और पृथला विधानसभा से प्रत्याशी टेकचंद शर्मा भी मौजूद रहे। योगी का ये जोरदार प्रचार हरियाणा में भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जुटी हुई है। फरीदाबाद में नवरात्रि की भव्य तैयारी। फरीदाबाद में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शहर की विभिन्न समितियों के लोग दुर्गा पूजा पंडाल और देवी दुर्गा की मूर्तियों को सजाने में जुट गए हैं। इस साल नवरात्रि 8 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और इस मौके पर शहर में बद्रीनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर पर की थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। सेक्टर 16 के कालीबाड़ी मंदिर में बंगाली समुदाय द्वारा पर्यावरण के अनुकूल पंडाल तैयार किया जा रहा है। यहां 8 अक्टूबर को देवी दुर्गा की भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी। वहीं सेक्टर 3 स्थित राजा नहर सिंह महल के सामने मैदान में एहसास फाउंडेशन की ओर से दुर्गा पंडाल को उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर की तर्ज पर सजाने का कार्य चल रहा है। इस पंडाल और देवी दुर्गा के दरबार को सजाने के लिए पश्चिम बंगाल से 25 कलाकार कारीगरों को बुलाया गया। कारीगर पंडाल को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं और इसके अलावा सेक्टर 3 की कम्युनिटी सेंटर में प्रवासी कमेटी द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर की थीम पर एक और पंडाल सजाया जा रहा है। फरीदाबाद में इस साल की नवरात्रि का उत्सव भव्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होगा, जो सभी श्रद्धालुओं के लिए यादगार अनुभव होगा। तो ये थे हमारे आज के समाचार, आज के मुख्य समाचारों की झलक। और हमारी कोशिश है कि आपको ताज़ा तरीन जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत यूं ही कराते रहें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आगे की सभी अपडेट्स के लिए देखते रहें देश रोजाना बेबाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।